सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर विद द चैप्टर पेरीमीटर इन एरिया एक्सरसाइज 11.3 एक्सप्लेनेशन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सर्कमफ्रेंस विद ऑफ सर्कल। फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7। सो यू नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, ये होता है आपका 2πr। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सिंपली आप निकाल सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल मींस 2 × 22/7 × 14, बिकॉज रेडियस इज गिवन एज 14। अगर डायमीटर दिया होता है तो डायमीटर अपॉन 2 कर दे तब रेडियस आ जाती है आपकी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट r दिया था 7 वन टाइम 7 टू टाइम्स, सो ये आपका हो जाएगा 22 × 44 × 88 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल टेकिंग रेडियस 14 mm। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल टेकिंग रेडियस एज 14 mm। सो वी नो दैट एरिया ऑफ सर्किल हम देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्किल। सो पाई इज 22/7 एंड आर इज 14 एंड 14। यहां पर mm है तो mm स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं इसको। 7 × 2 × 14 और 14 × 2 हो गया 28। सो 22 × 28 कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा एंड इसका आंसर आएगा 616 mm स्क्वायर। बाकी पार्ट अपने आप से करेंगे, इसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब लोग देखने यहां तक, इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद द क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑफ एक्सरसाइज 11.3। सो हियर द क्वेश्चन इज इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड द रेडियस एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। सो हियर सर्कमफ्रेंस इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ शीट। सो देखते हैं सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 154। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 154 मीटर एंड सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। सो 2πr इज इक्वल टू 154 मीटर। सो 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 154। अब आप कैलकुलेट करेंगे इसको जितनी जल्दी कर सके, r की वैल्यू निकालने के लिए। सो 22 × 1 = 22 कितने टाइम्स जाएगा, 22 आई थिंक 7 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। सो चेक कर लेते हैं 7 × 14 × 14 = 15। ठीक, 7 टाइम्स आएगा। अब ये आपका हो जाएगा, r की वैल्यू आपकी हो गई 7 × 7 = 49/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ r, ये आपकी r की वैल्यू आएगी। सब लोग एक बार चेक भी कर लेंगे अपने आप से, द वैल्यू ऑफ r इज 49/2 मीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया। सो एरिया की वैल्यू क्या होगी, एरिया होगा सर्किल का पाई आर स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं 24.5 ऑल्सो। सो एरिया ऑफ सर्किल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 × 49/2 × 49/2। तो कैंसिल कर दिए, 7 × 7 = 49, 2 11 × 22। अब ये आपका हो जाएगा 11 × 7 × 49/2, जो इसका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका एरिया होगा। सो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। यहां पर हम लिख दे रहे हैं 1886.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, यही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1886.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस आप देखेंगे तो रेडियस आपकी कितनी आई थी, रेडियस आई थी 49/2 दैट इज 24.5 मीटर। ये रेडियस थी और ये एरिया है 1886.5 मीटर स्क्वायर। दीज आर योर फाइनल आंसर। तो अब हो गया होगा सबका। नेक्स्ट आई विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर गार्डन है
जिसका डायमीटर 21 है, सो इसकी रेडियस हो जाएगी आर की वैल्यू 21 अपॉन 2 मीटर। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स टू राउंड्स लगाने हैं तो कितनी रोप चाहिए होगी, ये आपको निकालना है। ठीक, तो आपको जाहिर सी बात है सरकमफ्रेंस निकालना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपको निकालना है, दैट इज 2πr। सो 2πr दैट इज 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21 अपॉन 2। सो 2 से 2 कैंसिल, 7 3 जा और 22 3 जा हो गया 66 मीटर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल आ गया। अब उसको दो राउंड लगाने हैं, कितने राउंड लगाना है, 2 राउंड। सो लेंथ ऑफ द रोप, टोटल लेंथ ऑफ रोप ये कितनी हो जाएगी इन टू राउंड्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 66 इंटू 2 दैट इज 132 मीटर। ये हो जाएगा क्योंकि वहां पे दो राउंड लगा रहा है तो डबल हो जाएगी लेंथ। ठीक है, 132 मीटर आपकी हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ रोप। ठीक, नाउ द कॉस्ट ऑफ रोप, आपको पता है ₹4 पर मीटर इज द कॉस्ट ऑफ रोप। सो नाउ द कॉस्ट ऑफ रोप, नाउ कॉस्ट ऑफ रोप ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 132, 4 1 टाइम्स 4 एंड 13 4 जा 52, सो 524 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन, 528 आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिख गया है, 528 इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 528 इज द आंसर, 4 इंटू 132 आपका हो जाएगा 528। ओके, सो स्टूडेंट्स आई एम अगेन हियर विद क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.3 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, यू कैन सी बोथ द क्वेश्चंस रिटन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कोई सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैपिटल आर मान लेते हैं। अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, एक सर्किल रिमूव कर दिया गया है 3 सेंटीमीटर का, मींस स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट मींस दिस शीट मस्ट बी रिमेनिंग, सो शेडेड पोर्शन का आपको यहां पर एरिया निकालना है फिगर के हिसाब से। ठीक है, सो सॉल्यूशन, आउटर रेडियस आर की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, इनर रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल विल बी द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, यही तो होगा फॉर्मूला, सब लोग देख लें ध्यान से, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल विल बी द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। नाउ एरिया ऑफ आउटर सर्किल क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर है, सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, इस केस में यू कैन टेक पाई एज कॉमन, सो पाई आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर इसको कैपिटल आर यहां भी मानते हैं, 4 स्क्वायर एंड स्मॉल आर इज 3 स्क्वायर, सो यही आपका आंसर आ जाएगा, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 दैट इज कितना हो गया 16 और माइनस 9 7 पाई, और 7 पाई आए, पाई को आपको 3.14 लेना है, सो पाई इज 3.14, सो 7 इंटू 3.14 यही आपका आंसर आ जाएगा, उसको सब लोग कैलकुलेट कर ले, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, 7 इंटू 3.14 एंड आंसर विल बी 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा सा और हम बड़ा लिख दे रहे आपको दिखेगा, ये आपका आ जाएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6,
Sanya wants to put a lace on circular table cover of diameter 1.5. So diameter पता है 1.5. So radius r will be equal to 1.5 upon 2 meter. Find the length of the lace required. If cost of 1 meter is rupees 50. So circumference. Therefore circumference of circle will be equal to 2 pi r. 2 pi r that is 2 into 3.14 into 1.5 upon 2. So 2 से 2 cancel. Pi की value यहाँ पर आपको 3.14 use करनी थी. ठीक है. अब देखिए. अब इसके बाद आपको क्या करना है? 3.14 को 1.5 से multiply करना है. So ये आपका आ जाएगा 4.71 के हिसाब से आ रहा थी 15 फोर जा 16 15 जा 15 हाँ 4.71 अप्रॉक्स में यही आना चाहिए. 22/7 लेंगे तो भी आपका यही आएगा. ठीक है मीटर. नाउ कॉस्ट आपको क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है. 1 मीटर की कॉस्ट 15 है. सो 4.71 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? सो कॉस्ट ऑफ लेस. नाउ कॉस्ट ऑफ लेस विल बी इक्वल टू रुपीज 15 इंटू 4.71 क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट थी रुपीज 15. सो 4.71 मीटर की कॉस्ट क्या होगी? 15 को आपने 4.71 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा रुपीज 70.71. रुपीज 70.71 दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ इसके बाद क्वेश्चन आपने आपसे ट्राई करिएगा करने के लिए. थैंक यू.